अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ काइमोराल फोर्टी टैबलेट का रिव्यू। ये मेडिसिन मेरे पापा को दिया गया है क्योंकि उन्हें जो है काम में इंजरी हुआ है, फोरहेड में उनके लगा है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारा खून भी बहा है और वुंड भी हुआ है बहुत गहरा, तो इसीलिए डॉक्टर ने इसे रिकमेंड किया है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, आप देख सकते हैं प्राइस जो ये 405 रुपीज़ है। और ये स्पेशली जो है पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स के लिए है, यानी जब आपका घाव लगता है उसके बाद उसको जो पेन है उसको कम करने के लिए, जो स्वेलिंग है उसको बंद करने के लिए ये दिया जाता है। सो इसके ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सभी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ होते हैं, किसी को ज़्यादा वो साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी को कम। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है इचिंग यानी खुजली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि आपका सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होना, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स और थ्रोट। कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग यानी फूल जाता है, कभी कदार आपके होंठ और जो गला है वो फूल जाएगा अगर आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो। शॉक, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, आपको शॉक लग सकता है, शॉक यानी कि झटका बोल सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस यानी आप गुम जाना, ख्याल ना रहना, इस प्रकार का। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ऑब्वियसली सभी मेडिसिन में, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस यानी अम्बल, पेट में गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स को हम फिलहाल तो साइड रख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ तीन ही मेडिसिन खाया है पापा ने, एंड ये ठीक ही है, और मैं पूरी तरह से नहीं बता सकती कितना ठीक है क्योंकि इसके साथ और भी मेडिसिन चल रहा है। ऐसा अगर होता कि सिर्फ यही चल रहा होता तो बता सकते कितना इफेक्टिव है। इसके साथ बाकी मेडिसिन भी चला है, यानी कि बाकी का भी शरीर पर असर हुआ है, इस वजह से बोल सकती हूँ कि हाँ ये ठीक है। और अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आपको भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे जनाएं कि आपका कैसा रहा और आपको किस लिए ये रिकमेंड किया हुआ है, ताकि जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिले। और दोस्त, अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़रूर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इसे कंज्यूम कराने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।